हाँ जी दोस्तों, तो अगर आप लोग आईफोन 14 लेना चाहते हैं अभी आने वाली 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल में, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईफोन 14 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल में आप लोगों को इस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा। अभी जो है करंटली यहाँ पर रिपब्लिक डे की सेल गई थी, यहाँ पर अगर आप लोग किसी कारण से परचेज नहीं कर पाए तो अब क्या कोई 2-3 महीने में कोई ऐसी सेल आने वाली है जहाँ पर कि आप लोगों को आईफोन 14 लोएस्ट प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाए ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में। एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फरवरी और मार्च में आईफोन 14 का प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर क्या वाला है, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता चलूं रिपब्लिक डे सेल के बारे में। तो यहां पर जो आईफोन 14 है ये आप लोगों को 55,000 रुपीस का देखने के लिए मिल रहा था, और यहां पर मैं 2023 में जो बिग बिलियन डेज की सेल आई थी वहां पर आप लोगों को सारे ऑफर लगा देने के बाद आईफोन 14 52,000 रुपीस का देखने के लिए मिल रहा था, और ये जो डील थी आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए मिल रही थी। तो अब अगर आप लोगों से बात करता चलूं कि क्या 52,000 या फिर ऐसा कुछ प्राइस पॉइंट आप लोगों को फिर से अभी देखने के लिए मिल सकता, तो ऐसा कुछ दोस्तों नहीं होने वाला है। अब से दोस्तों 3 महीने बाद लगभग मई में आप लोगों को समर सेल देखने के लिए मिलेगी, वहां पर में जो आईफोन 14 है वो आप लोगों को 56-57,000 रुपीस के अप्रोक्स देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग 3 महीने वेट करेंगे तब आप लोग समर सेल में 56-57,000 रुपीस के अप्रोक्स आईफोन 14 को परचेज कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग मई तक रुक जाते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर मंथ के अंदर आप लोगों को 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल देखने के लिए मिल जाएगी, और अगर आप लोग 2024 की बिग डेज की सेल में आईफोन 14 को परचेज करेंगे तब ये जो फोन है ये आप लोगों को आराम से अंडर 50,000 रुपीस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप लोग जो वेट कर लीजिए बिग बिलियन डेज सेल तक। अगर आप लोगों को अर्जेंट है तब मेरे हिसाब से आप लोगों को सेकंड हैंड परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि नया परचेज करना इतना ज्यादा कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब अगर आप लोगों से बात करना चाहूँ कि सेकंड हैंड मार्केट में अभी आईफोन 14 की प्राइस क्या चल रही है, देखिए दोस्तों अगर आप लोग एक अच्छी कंडीशन वाला आईफोन 14 देखेंगे जहां पर कि आप लोगों को बैटरी हेल्थ 80% के ऊपर देखने के मिलेगी, डिस्प्ले अगर आप लोगों को उसका ओरिजिनल मिल रहा है, पीछे बैक पैनल में अगर आप लोगों को एक दो माइन्यूट स्क्रैचेस देखने के लिए मिल रहे हैं, हल्के फुल्के डेंट अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे फोन के आप लोग 42-43,000 रुपीस पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो आईफोन 14 मिल रहा है वो आप लोगों को अंडर वारंटी मिल रहा है तब ऐसे फोन के आप लोग 45,000-46,000 रुपीस के अप्रोक्स पे कर सकते हैं अगर आप लोगों को फोन वारंटी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इससे ज्यादा कीमत आईफोन 14 की सेकंड हैंड मार्केट में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये चीज अब आप लोग क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर आप लोगों से बात करते चलो ऑफलाइन मार्केट में कि ऑफलाइन मार्केट में क्या कुछ डिस्काउंट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, तो देखिए दोस्तों अभी थ्रू आउट द ईयर रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और उसी के साथ विजय सेल्स के ऊपर, जियो मार्ट के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर में क्या होता है जनरली कि जो यूनिकॉर्न स्टोर है, इमेजिन स्टोर है, जो कि बेसिकली एप्पल के अथॉराइज्ड स्टोर है, यहां पर में आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को तब मिलता है जब आप लोग अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों के पास अभी आईफोन 11 होगा तो, और अगर आप लोग आईफोन 11 को एक्सचेंज करके आईफोन 14 लेंगे, तब आप लोगों को आपके जो आईफोन 11 की वैल्यू है वो आप लोगों को 28,000 रुपए के लगभग देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब कैशबैक का डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है और उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस वगैरह चलता रहता है ये सारे स्टोर्स पर, तो यहाँ पर आप लोगों का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली परचेज करेंगे बिना एक्सचेंज के तब आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, और एज सच आप लोगों को ऐसी कोई बड़ी सेल ये चारों ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही बनता है कि आप लोग जो 2024 की बिग बिलियन डे सेल का वेट कर लीजिए, वो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी आईफोन 14 की अभी आने वाली बिग बिलियन डेज की सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगी, अगर आप लोगों को सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।